एमए किए हुए हैं परवीना जी, अब फिर आप प्यार के झांसे में कैसे आप आ गए? तो बस हमको यूज करके छोड़ देना चाहता था, उसको सिर्फ मेरे जिस्म से ही प्यार था। अच्छा, मेरे खूबसूरती से ही वो प्यार किया, वो हमसे सच्चा वाला कभी प्यार किया ही नहीं। तुम हमको बचपन से प्यार कर रहा था, प्यार करने के साथ साथ तुम हमको जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में भी तुम हमको मतलब जबरदस्ती बनाया, हमारे मना करने के बावजूद भी सवाल वहाँ पे। वो दूसरा शादी कर लिया, 3 लाख दहेज लिया, गाड़ी लिया। हम जब रहने गए वहाँ पंचायत यार भी बैठा है तो बोला हमने पहचानते उसको कौन है। नहीं बोले देखो अभी मेरा बहुत तबीयत खराब है, पीरियड से भी है, तुम हमसे दूर रहो। बोलता नहीं एक बार तुम हमसे खुश कर, तुम हमको खुश कर दो, प्रेम में सब जाएगा। मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाया गया, हमको ही दोषी बनाया गया, बिना कुछ किए ही हम मुजरिम करार हो गए, कारपेट बना दिया गया, हमको क्रिमिनल बना दिया। लड़का आता है और इसके जिंदगी को तहस नहस करके चले जाता है और अभी वर्तमान पे रोड पे टोटो चला रही है। बच्चे के स्माइल के आगे हम अपना सारा दुख तकलीफ भूलने लगे और मेरा एक हिम्मत बन गया जीने के लिए मेरा बच्चा, और उसको देख करके हम खुद को जिंदा रख लिए, खुद को खत्म नहीं किए। बेचे एक हाथ में बच्चे को लेके, एक हाथ में बड़ा झोला में कपड़ा लेके भी घूम के बेचे, ताकि देख रहे हमको रहने के लिए घर तक नहीं है, अस्थाई स्थानीय निवास देने की कृपा करे मेरे। हमको जलीलियत रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला, हर जगह मेरे दामन को तार तार किया गया, चाहे वो पंचायती हो या कोर्ट कचहरी हो या कटघरा हो, हर जगह मेरे ही दामन पे कीचड़ उछाला गया। वो भूखे ना रहने दे और मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा ना रहे। मेरा बच्चा भूखा सोता था, उनको निप्पल में पानी भर के पिलाना पड़ता था दूध के बजाय। हम जब से टोटो चला रहे तब से मेरा बच्चा दूध पीता है, भूखा नहीं सोता। बिहार में महिला को टोटो चलाने का प्रचलन नहीं है, इस कारण मुझे काफ़ी कठिनाइयों की सामना भी करना पड़ रहा है, बहुत कमेंट्स पास कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ नगवा परवीन जी हैं, आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी इनका वीडियो देखा होगा, वीडियो इस चीज़ का देखा होगा, यही वो नगवा परवीन जी है जो एक लड़की होने के बावजूद भी, एमए करने के बावजूद भी एक टोटो चलाती है, टोटो चलाती है रोड पे और सवारी को बैठा के अपना दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करती है। सबसे पहले हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। अच्छा एक बताइए, आप जैसे कि सारे लोग जानते होंगे टोटो चलाते हैं, बहुत गरीब फैमिली से, एमए करके टोटो चलाते हैं, यहाँ तक तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों आखिर टोटो ये चला रहे हैं, आखिर वही बात आप इनसे जानने की हम प्रयास करेंगे और सच्चाई आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए परवीन जी, आप जो मतलब कि टोटो चला रहे हैं, बाकी सारे लोग को बता रहे हैं, सारे इंटरव्यू में बता रहे हैं हम टोटो चलाते हैं, एमए करके टोटो चलाते हैं, क्यों आप टोटो चलाते हैं, क्या ऐसी दिक्कतें आ गई, क्या ऐसा परेशानी हो गई आप टोटो चलाना स्टार्ट कर दिए? सर सो तो आप लोग पहले भी जो न्यूज चैनल वाले, न्यूज जंक्शन वाले पहले सबसे पहले मेरा वीडियो बनाए थे जी। वहाँ रेलवे स्टेशन पर हम टोटो चला रहे थे, तो आप लोग तो सब कुछ देखे ही होंगे, घर का भी वीडियो बना के डाल ही दिए, सब कुछ जान ही रहे हैं, तो आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। अच्छा, कहानी आपका कहाँ से शुरुआत हुआ? जैसे कि बताया जा रहा है कि आप किसी से प्यार भी करते थे, पता नहीं क्या क्या जो भी मतलब कि कुछ सवाले निकल के आ रही है अभी सोशल मीडिया पे, आखिर देखिए कहीं ना कहीं आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब कि देख रहे हैं, तो कहाँ क्यों ऐसा करना हो गया, आप कहानी शुरुआत से बताइए, कहाँ से आपका मतलब कि एक मोड़ ले लिया और एक ऐसा मोड़ लेना आपको पड़ गया जो काम एक लड़की करने के लिए 100 नहीं 1000 बार सोचती है, एक लड़की हो गई कैसे हम टोटो चलाएं, और आपने एक कदम ही आपने वो सक्सेस कर लिया। देखिए मेरा मानना है कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है और लड़कियां किसी चीज़ से कम नहीं है, और आप देख रहे हैं कि लड़कियां प्लेन उड़ा रही है, रेल चला रही है, मतलब लड़कियां किसी भी चीज़ में पीछे नहीं। देखिए हम वो चीज़ तो मान रहे हैं परवीन जी, वो मेरा मतलब कि सवाल यह था कि आप मतलब कि यहाँ कैसे जर्नी आपका स्टार्ट हुआ, क्यों आप मतलब कि एक ये भी पता चला है कि आप लव स्टोरी करते थे, यहाँ से आप अपना कहानी का शुरुआत कीजिए, क्यों आप मतलब कि आपके सुनने में यह भी आया कि आपका एक बेटा भी है। बेटा नहीं बेटी है मेरी। तो कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, कैसे आप मतलब कि इतने मतलब कि एक पति क्या कहाँ गए, क्यों हुआ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ये जानना चाहते हैं। देखिए हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो आप लोग देख ही रहे, पापा जिंदा थे तो हम लोग का खाने पीने का दिक्कत नहीं था, हम 4 बहन 4 भाई है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा दहेज प्रथा है। पापा जिंदा भी थे तो रिश्ता लगता था बहुत जगह, लेकिन हर जगह बोलता था लड़की पसंद है लेकिन एक ठो चरचक्का दीजिएगा क्या, लड़की में कोई कमी नहीं है लेकिन एक चरचक्का गाड़ी चाहिए। डॉक्टर का भी रिश्ता लगा, उसको भी चरचक्का का डिमांड वो भी किया। इंजीनियर से मेरा शादी लगा, उसको भी चरचक्का चाहिए था, लड़की में कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आप चरचक्का दीजिए। इस तरह डॉक्टर इंजीनियर टीचर मतलब जहाँ भी रिश्ता लगा, दहेज के कारण मेरा रिश्ता नहीं हो पाया अच्छे फैमिली अच्छे परिवार में।
और घर का माली हालत ठीक मेरा नहीं था क्योंकि पापा एक कमाने वाले थे और हम लोग 8 भाई बहन है, एक माँ है, पूरा 10 आदमी का परिवार था खाने वाला। तो खाना पीना चल रहा था लेकिन दहेज वैड नहीं कर पाते। दहेज आप वैड नहीं, तो चलिए तो दहेज की प्रथा की बात हो गई। अच्छी बात, आपका लव स्टोरी कहाँ से शुरुआत हुआ? देखिए मेरा मौसी का लड़का था, हम लोग में खाला बोलते हैं, खलेरा भाई था, तो वो मेरे घर पे बचपन से ही आता जाता था, तो हमेशा ऐसे चिराते रहता था, तो हमको लगता था ऐसे उसको इग्नोर करते थे। तो एक बार मम्मी बहुत बीमार थी, घर पे आया, बोला कि हम तुमसे बचपन से प्यार करते हैं। मेरा तबीयत खराब था, बहुत ज़्यादा बुखार लगा हुआ, कपड़ा अर धोने के लिए रखे थे, वो मेरा कपड़ा जितना बाल्टीन में बोरा हुआ था सब कपड़ा अर धो दिया, दवाई ला करके दिया बुखार का, और बोला कि तुमसे हम इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते, देखो तुम्हारा हम गंदा कपड़ा भी साफ कर दिए। संपत्ति दिखा रहा था? हाँ, बहुत ज़्यादा संपत्ति दिखाया, मतलब जैसे कि कोई इंसान किसी का केयर करता है, किसी से सच में प्यार करता है, तो उसका प्रॉब्लम उसको अपना प्रॉब्लम समझता है, इस टाइप से वो दिखाया सब कुछ। फिर उसको दिखाने के बाद जो है हम उसको बोले देखो मेरे घर में अभी कोई नहीं बाबू, तुम जाओ, मम्मी जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिट है और घर पे कोई नहीं है, छोटा भाई भी बाहर खेल रहा होगा जंगल में, तुम जाओ यहाँ से। उसको हम बोले जाने के लिए, वो नहीं गया, बोला कि तुमसे मैं इतना प्यार करते तुम भगा रही है। और उसको हम बोले देखो अभी मेरा बहुत तबीयत खराब है, पीरियड से भी है, तुम हमसे दूर रहो। बोलता नहीं, एक बार तुम हमसे खुश कर, तुम हमको खुश कर दो, प्रेम में सब जायज है। हम बोले देखो हम इस टाइप का प्रेम उरेम नहीं करते हैं, जो लड़का से मेरा शादी होगा वही मेरा सब कुछ होगा। तो देखिए उस समय तो हम बीमार भी थे और ज़बरदस्ती मान के चलिए उनको बहुत ज़्यादा प्रलोभन देने लगा और रिलेशनशिप बनाया, और इस कारण प्यार में एक तरह से ज़बरदस्ती आपके साथ किया गया जी। फिर उसके बाद सबका कहना हुआ कि वो सबको बोला कि हम इससे सच्चा प्यार करते, प्यार में सब जायज है, सब कुछ चलता है। तो हम उसके ऊपर केसर भी किए, 2 साल हम 1.5 साल कोर्ट कचहरी भी दौड़े। नहीं ये तो बात ना, आप कोर्ट गए चाहे आप थाना गए, फिर आपसे जबरदस्ती करने के बाद, प्यार में जबरदस्ती करने के बाद फिर क्या हुआ आगे? नहीं तो हम गए उसके जहाँ काम करता था, मतलब कि हमको पता नहीं चला कि हम प्रेग्नेंट हो गए, क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि पीरियड से थे। तो फिर बाद में हमको पता चला जब मेरा पीरियड नहीं आया, हमको लगा कि बीमार है, कमजोरी के कारण नहीं आया होगा, तो हो सकता है। फिर 2 महीना हो गया तब हम उसके पास गए, मम्मी मेरी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी, घर में कोई इस लायक नहीं था कि हम अपने साथ होने के बाद कुछ जो हुआ है बता सके। तो फिर उसके बाद हम गए वहाँ उसके शोरूम पे जहाँ वो काम करता था, फार्म ट्रेक शोरूम में काम करता था, श्रीपुर चकला 13 नंबर वार्ड का लड़का है, उसका नाम है अंजार आलम, और वहाँ का मुखिया थे उस समय अनिल अनन। हमारा 10-15 बार वहाँ भी पंचायती हुआ, यहाँ भी हुआ। जब आप प्रेग्नेंट हो गए तब आप पंचायती की, आप हमसे शादी कीजिए, आप हमको रखिए, इस बात को लेकर के? जी हम बोले देखो आप सब दिन से बोल रहे थे कि हम प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, और हमको आज प्रेग्नेंट भी कर दिए, तब हमसे शादी करो। तो बोला शादी को बात, मतलब कि शादी लेकर के आप पंचायती किए, थाना गए, कोर्ट गए, यही ना? तो वो बोला ठीक है हम शादी करेंगे, अभी तुम घर जाओ, अभी यहाँ बहुत लोग हैं फार्म ट्रेक शोरूम पे, घर पे आके तुमसे बात करते कॉल करते हैं। नहीं हमको कॉल किया, ना ही घर पे आया, कुछ नहीं। इसी तरह फिर उसके बाद जो है हम उसके घर पे गए, तो उसकी मम्मी और सब एकदम बोलने लगी मेरा बेटा तो बहुत शरीफ है, लड़की है, गलत है ये वो। मेला थाना गए, 1 महीना मेला थाना भी दौड़ाया, मेला थाना सिंहेश्वर थाना भेज देता था, सिंहेश्वर थाना मेला थाना भेज देता था, फिर एसपी सर के पास गए। अच्छा वो समझ रहे हैं, मतलब कि आपको एक दूसरे के पास भेजने के चक्कर में आपको लगा दिया, कहीं ना कहीं आपको दिन काटने के चक्कर में लगा दिया, थाना प्रशासन आपको सही तरीके से सपोर्ट नहीं किया, आप ये कहना चाहते? केस किए तो मेरा हालत बहुत खराब था, तो मेडिकल में हमको एडमिट होना पड़ा। जब हॉस्पिटल में एडमिट थे उसी दौरान मेरा मेडिकल जांच हुआ और सब कुछ जांच पड़ताल होने के बाद तब पुलिस उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट किया तो फिर भी नहीं कबूल रहा था कि हाँ मेरा बच्चा है, हम कुछ किए हैं, वो बस हमको यूज करके छोड़ देना चाहता था, उसको सिर्फ मेरे जिस्म से ही प्यार था। अच्छा। मेरे खूबसूरती से ही वो प्यार किया, वो हमसे सच्चा वाला कभी प्यार किया ही नहीं। तो उसके बाद मैं किए हुए है परवीना जी, अब फिर आप प्यार के झांसे में कैसे आप आ गए? हम प्यार के झांसे में नहीं आए, मेरा घर का हालत ठीक नहीं था, परिस्थिति सो आप देख ही सकते हैं, माँ भी बीमार थी और वो मेरे साथ जब ऐसा रिलेशनशिप मारपीट करके बना ही लिया बेहोशी की हालत में,
तो जब हमको होश आया, पता चला मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लोहा लक्कर का काम करता है गैरेज का, अगर एक दो हाथ कोई भी इंसान को लग जाएगा उससे तो वो भी बेहोश होके गिर जाएगा। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, हम बीमार भी थे। वो ऑल फोर व्हीलर इंजन का स्पेशलिस्ट है, जितना भी गाड़ी होता है हम समझ रहे हैं, बाकी लोग भी समझ रहे हैं। उसके आगे तो फिर कोर्ट जेल गया, फिर चार ई बयान हुआ मेरा 164 का। उसमें जज साहब पूछे क्या चाहती हो, हम बोले देखिए जो इंसान मेरा इज्जत देखा है हम पूरा जिंदगी उसी के साथ रहना चाहते हैं। लड़का क्या जवाब आया उधर से? वो बोला ये लड़की दो नंबर है, नया चिल्लाए हमको फंसा रही है। तो सवाल आप करते ना जिस समय तुम हमारे साथ मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहता था, उस समय तुमको मतलब कि इस तरह से हम नहीं मतलब कि लग रहे थे, दो नंबर तीन नंबर नहीं लग रहे थे? अभी तुम सवाल का जवाब तुम दे रहा है दो नंबर तीन नंबर है, जब तुम हमको बचपन से प्यार कर रहा था, प्यार करने के साथ साथ तुम हमको जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप में भी तुम हमको मतलब जबरदस्ती बनाया हमारे मना करने के बावजूद भी। सवाल वहाँ पे करना चाहिए, दागना चाहिए था ना उसको, उस लड़का को। हम उससे सवाल किए, उसका कहना हुआ कि तुम जो है एक गरीब लड़की है और तुम्हारे फैमिली के पास कुछ नहीं है और मेरी माँ को दहेज चाहिए। हम तुमसे प्यार करते हैं लेकिन मेरा फैमिली जो है ना वो हमारा प्यार को कभी नहीं समझेगा और वो हमको सुसाइड करने के लिए भी बोलने लगा। वहाँ पे ये भी बोलते ना, जब तुम उसे बचपन से प्यार कर रहा था तो तभी तुम्हारे मम्मी पापा तुमको समझ में नहीं आया, हमारे मम्मी पापा भी हैं, बोलना चाहिए था ना परवीना जी। देखिए आप एमए किए हुए, आज देखिए आज देख सकते हैं आज ये किस परिस्थिति से अभी ये गुजर रही है, कहीं ना कहीं बताने में भी दुख हो रहा है, शर्म हो रहा है। ये घर जो देख रही है परवीना जी, इसी पर रहते हैं और एक बेटा भी है, बेटी है ना, एक बेटी है वर्तमान में जी जी। और ये देख सकते हैं इस रोड पे मतलब कि एक एमए पास करके रोड पे मतलब कि बच्चे को पालती है कुछ रुपया कमा के टोटो चला के, कितनी शर्मिंदगी वाला बात है और कहीं ना कहीं बताने में भी दुख हो रहा है। अच्छा एक बार बताइए तो अभी वर्तमान का क्या स्थिति है, वो लड़का अभी तक नहीं रखना चाहता है क्या? वो दूसरा शादी कर लिया, 3 लाख दहेज लिया, गाड़ी लिया। हम जब रहने गए वहाँ पंचायतीयर भी बैठा है तो बोला हमने पहचानते उसको कौन है, नहीं है, केस किया है, जाके कोर्ट से फरियाए, कोर्ट को बोले उसको कोर्टे न्याय दिलाएगा, कोर्ट गई थी तो हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं कौन है नहीं है। पंचायती उसके बाद फिर दोबारा किए आप परवीना जी? हम बहुत बार पंचायती किए लेकिन कोई पंचायती में वो कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। बार बार आप जाके चकला चौक पता कर सकते हैं, वहाँ का मुखिया जी थे अनिल आनंद, जाइए आप उनसे पूछ लीजिए, आपको सच्चाई जानकारी हो जाएगा। हम बोलेंगे तो आपको लगेगा झूठी बोल रहे हैं, गलती बोल रहे हैं। नहीं नहीं अभी आप इस परिस्थिति से गुजर रहे होंगे तो हमको पता है कि आप जो बोल रहे हैं तो वही सच होगा, क्योंकि ये तो हालांकि जांच का विषय है आपके साथ क्या हुआ अन्यथा क्या नहीं हुआ, वो तो जांच पुलिस प्रशासन करेगी तभी पता चल पाएगा क्या सच्चाई है क्या झूठ है। अच्छी बात, ये क्या कहना चाहते हैं आप सोशल मीडिया के माध्यम से उस लड़के को, बेशरम लड़के को? उसके भी पास एक बहन है और कल के डेट में दूसरा शादी किया है, उसको भी बेटी होगी। मेरी बेटी को तू नहीं पहचाना, हम बोले डीएनए टेस्ट करवा लो, बोला नहीं मेरा बच्चा ही नहीं है। तो उसके पास भी एक बहन है, कर्म का फल इसी दुनिया में मिलता है, श्री पर श्री है। आज वो मेरा बुरा किया है, हम कल रहे नहीं रहे, ये दुनिया रहेगा, मीडिया रहेगा, हर कोई रहेगा, तो ऊपर वाला कर्म का फल इसी दुनिया में देता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह इस बार पे हम छोड़ देते हैं, मेरे साथ गलत किया तो हम नहीं चाहते उसके साथ भी गलत हो, वो ऊपर वाला जाने, उसको कर्म का फल ऊपर वाला देगा। हम केस मुकदमा किए, हम थक गए लड़ लड़के, हमको जलीलियत रुसवाई के अलावा कुछ नहीं मिला। हर जगह मेरे दामन को तार तार किया गया, चाहे वो पंचायती हो या कोर्ट कचहरी हो या कटघरा हो, हर जगह मेरे ही दामन पे कीचड़ उछाला गया, मेरे ही चरित्र पे सवाल उठाया गया, हमको ही दोषी बनाया गया, बिना कुछ किए ही हम मुजरिम करार हो गए, कारपेट बना दिया गया, हमको क्रिमिनल बना दिया गया, कुछ बचा ही नहीं मेरे लिए जीने के लिए। सोचे बच्चा हो जाएगा तो सुसाइड कर लेंगे, हम जिएंगे नहीं इतना बेइज्जती लेकर के, लेकिन जब बच्चा हुआ तो सोचे कि उसका बच्चे को क्या होगा, बच्चे को देख के हमको जीने का लालच पैदा हो गया, बच्चे के स्माइल के आगे हम अपना सारा दुख तकलीफ भूलने लगे और मेरा एक हिम्मत बन गया जीने के लिए मेरा बच्चा, और उसको देख करके हम खुद को जिंदा रख लिए, खुद को ख़त्म नहीं किए, नहीं तो इतना जलील बेइज्जत रुसवा होने के बाद संभव नहीं था जिंदा रहना। और अभी हम जितना मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चे को देख के ही कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं जीने का जो सहारा है वो आपका बच्चा बन गया, एक पति छोड़ के जी।
और देख सकते हैं, और इसकी कहानी में जो है कहाँ से मोर एक अचानक से आता है, एक लड़का आता है और इसके ज़िंदगी को तहस नहस करके चले जाता है। और अभी वर्तमान पे रोड पे टोटो चला रही है, वही वो परवीना जी है जो कि अभी वर्तमान में टोटो चला रही है। और मधेपुरा की इस धरती पे कहीं ना कहीं एक बेटी जो कदम को नहीं उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहती है, वो आज परवीना जी उठा रही है। हालांकि कोई बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं होता है, कोई भी काम जो लड़का करता है वो लड़की यहाँ भी कर सकती है। ये देख सकते हैं अभी किस हालात में है, आप मत रोइए, समझे। हम प्रशासन से यही उम्मीद करना चाहते हैं, इसके साथ जो अन्याय हुआ है, न्याय की जो जिस तरह से गुहार लगा रही है, इसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और अभी हम DM साहब जो है हमारे कलेक्टर जिला के, उनसे हम यही अपील करते हैं, जैसा कि देख रहे हैं उनको रहने के लिए घर तक नहीं है, अस्थाई स्थानीय निवास देने की कृपा करें मेरे ऊपर, हम जीवन भर आभारी रहेंगे उनके। और मेरा दो भाई डिप्रेशन में है, उनका इलाज कराने में सरकार हमारी मदद करे, DM सर हमारी मदद करे, बस हम यही अपील करते हैं। मेरा तो ज़िंदगी बर्बाद हो ही गया, और हम नहीं चाहते हैं मेरा भाई बहन पागल हुए मर जाए और सब एक दिन भीख मांगे रोड पे, हम ऐसा नहीं चाहते। हम मेहनत कर रहे हैं इसलिए ताकि हम अपना परिवार को भूखे ना रहने दें और मेरा बच्चा दूध के लिए भूखा ना रहे। मेरा बच्चा भूखा सोता था, उनको निप्पल में पानी भर के पिलाना पड़ता था दूध के बजाय। हम जब से टोटो चला रहे तब से मेरा बच्चा दूध पीता है, भूखा नहीं सोता है। हम मुखिया से भी चुनाव लड़े थे इस पंचायत में, लेकिन गरीब होने के कारण यहाँ के जनता में समर्थन नहीं किया। समर्थन किया सर, 400 वोट आया लेकिन 3000 वोट पे जीत था, बाकी लोग पैसे वालों को वोट दिए और हम हार गए। फिर उसके बाद हम कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट किए, कपड़ा कलकत्ता में लोग बोला सस्ता देता है, वहाँ से कपड़ा लाके हम बेचते थे। यहाँ गुलशन चौक पर एक छोटा सा दुकान भी लिए, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ तो फिर कपड़ा घूम घूम करके हम गाँव देहातर में झोला में ले करके बेचे, एक हाथ में बच्चे को लेके एक हाथ में बड़ा झोला में कपड़ा लेके भी घूम के बेचे। और मेरा 2 लाख का माल मेरे घर से कपड़ा चोरी हो गया, महाजनर माल भी देना बंद कर दिया। और फिर उसके बाद हमारी परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर में पूरा फाका कसी पड़ने लगा, दाने दाने को लाले पड़ गए। और मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा, जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके पास गया, लेकिन हर कोई ने मुझे अवॉइड किया, इग्नोर किया, गरीब समझ के मेरा कहीं कोई सुनने वाला नहीं था। तो लास्ट में मुझे लगा कि अब मुझे पैसा कमाना होगा, तो मैंने रिज्यूम बनाया और मेडिकल कॉलेज में रिज्यूम दिया, मॉल में दिया, बहुत कंपनी में दिया पार्ट टाइम जॉब के लिए, और मुझे कहीं भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला। और सबका कहना हुआ पार्ट टाइम जॉब मधेपुरा ज़िला में नहीं है। और मुझसे पूछा मेरे बारे में, तो मैंने बताया मेरी 1 साल की बेटी भी है, हो सकता है मैं बच्चे को लेके भी काम करूँ। तो बोला बच्चे वाले के लिए तो वैसे तो पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं मधेपुरा में, लेकिन आप बच्चे को लेकर के जॉब करोगे तो बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए। ये दिल्ली नहीं है, ये अमेरिका लंदन नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाए, आप कहीं और जाके देख लो, जाओ मैडम सॉरी, ऐसे बोल देता था। और जहाँ पे आप नौकरी करने के लिए जाते तो वहाँ पे आपको धक्के मार के चाहे किसी भी बहाने के द्वारा आपको निकाल दिया जाता था, इसी वजह से आखिरी आपने सोचा टोटो ही चलो। फिर मैंने सोचा कि हाथ में पैसा कैसे तुरंत आ जाए जिससे हम तुरंत बच्चे का दूध ले ले और नुकसान भी ना सहना पड़े। तो मैंने किराया, पहले तो मैंने 1 महीना मुफ्त में गाड़ी चलाया मार्केट में ताकि मेरा पहचान बन जाए और लोग मुझे गाड़ी दे चलाने के लिए किराया पे। वैसे जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार में महिला को टोटो चलाने का प्रचलन नहीं है, इस कारण मुझे काफ़ी कठिनाइयों की सामना भी करना पड़ रहा है, बहुत कमेंट्स पास कर रहे हैं लोग, बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। लेकिन मेरे सामने लोगों की बातें नहीं बल्कि मेरे बच्चा का भूखा चेहरा, दूध के लिए तड़पता हुआ चेहरा, बिलखता हुआ, जैसा कि आप लोग पहले वीडियो बनाए होंगे मेरे बच्चे का दूध के पीछे कैसे भाग रही थी वो मैडम जी, शारदा मैडम दूध लेके आई 1 लीटर, तो मेरे बच्चे दूध के पीछे कैसे दौड़े आप लोगों ने देखा ही, तो बस वही मुझे याद आता है और मैं दुनिया की बातों को अवॉइड करती हूँ और रोता बिलखता। देखिए किसी भी काम को आप करते हैं तो हर एक चीज़ में निगेटिव और पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव चीज़ को छोड़ते हुए पॉजिटिव चीज़ की ओर जाना है, समझ रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छा क्या लगता है आप आगे भी टोटो चलाएंगे जिस तरह से अभी वर्तमान में आप चलाते हैं? देखिए हम आपको पहले भी बता चुके कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मेहनत मजदूरी का कोई भी काम हम कर सकते हैं। मेरा बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरे बच्चे को दूध मिलना चाहिए। वैसे मेरे घर का हालत है कि 3 टाइम में 1 ही टाइम खाना बनता है, डीलर अरबी जो है हम लोग को अनाज उनाज नहीं देता है, बहुत दौड़ाता है, जबकि राशन कार्ड हम बनवा चुके हैं ताकि अनाज दे, फिर भी हम लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
और हम जितना जलील हो चुके हैं, जितना सह चुके हैं। अच्छा, अभी जैसे कि कुछ लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां लड़के होते हैं जो प्यार अभी करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से, जो कि अभी प्यार में पागल हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के प्यार के पीछे चले जाते हैं? हम तो सबसे पहले उनको ये कहना चाहते हैं कि वो अपने लाइफ का सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं यार। जिनको हम प्यार समझ बैठते हैं वो प्यार होता ही नहीं, वो एक एक्सट्रैक्शन होता है। जो एक्सट्रैक्शन जो है, किसी को भी मान के चलिए किशोरावस्था में किसी के प्रति हो सकता है, ये नेचुरली है। तो इस पे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए और उसको प्यार समझने का भूल नहीं करना चाहिए। और आजकल के ज़्यादातर किशोरावस्था के लोग इसको प्यार समझ बैठते हैं, और जो माँ बाप इतना बच्चे को बड़े करने में तकलीफ़ उठाते, मेरे पास भी एक बेटी है, पता चल रहा है हमको कितना कुछ करना पड़ता है बच्चे को बड़े करने में। वो माँ बाप कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, आप जो भी कीजिए उनके ही पसंद से कीजिए। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार का दावा करता है और आपको लगता है प्यार कर रहा है, तो उनको कहिए गार्जियन से मिलने के लिए, और उनका गार्जियन, आपका गार्जियन, सबको मिल के कहिए बात। जितने भी लोग एक्सेप्ट करे उनके साथ चलना चाहिए, सब पूरा फैमिली के साथ। उसका फैमिली आ गया तो समझ जाइए सच में प्यार वार कुछ है थोड़ा बहुत। अगर नहीं आए, भाग जाए या टाले या बोले मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तुमको क्या लगता है हम झूठे हैं, तुम हमसे प्यार नहीं करती है, समझ जाइए वो इंसान आपको बरगला रहा है और आपका यूज करके आपको फेंक देगा कचरा के डब्बा में, जिस तरह नगमा परवीन को फेंक दिया। सो आप लोग देख ही सकते हैं, और ये देख सकते हैं ये नगमा परवीन की हालत जो है अभी वर्तमान की, देख सकते हैं किस हालात से हैं, किस हालात से गुजर रहे हैं, किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं दुख होता होगा, और ये देख सकते हैं यही वो घर है किस परिस्थिति से गुजर रही है। और आप लोग क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।